हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ट्रेवर डुढ़ासन और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के एक खूबसूरत से हिल स्टेशन ओली की। सेब के बाग, पुराने देवदार पेड़ों से घिरे हुए इस ओली में आपको हर तरफ से नेचर की ब्यूटी ही दिखाई देगी। ओली को ओली बुग्याल भी कहा जाता है और ये उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस पॉपुलर हिल स्टेशन को स्कीइंग डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस हिल स्टेशन की खास बात तो ये है कि यहाँ जून से लेकर अक्टूबर तक आपको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फूलों की प्रजाति देखने को मिलेगी। ये जगह समुद्र तल से करीबन 2800 मीटर ऊपर है और ओली अपनी खूबसूरती की वजह से एक बहुत ही पॉपुलर हनीमून स्पॉट भी है। तो चलिए जानते हैं ओली की 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, स्कीइंग इन ओली। ओली स्कीइंग लवर्स के लिए किसी हेवन से कम नहीं है। आप यहां से अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ जीवन भर ना भूलने वाला एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओली को साउथ एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशंस के रूप में भी जाना जाता है। यहां स्कीइंग के साथ साथ आपको माउंट नंदा देवी, मन्ना पर्वत, दूनागिरी, बीथर टोली, नीलकंठ, हाथी पर्वत और भी बहुत सारी माउंटेन पीक्स का सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। ओली के गर्सोन रिजर्व पार्क में स्कीइंग करते हुए आपको हिमालयन वाइल्ड लाइफ देखने का भी मौका मिलता है। यहाँ की बर्फ से ढकी हुई ढलानों पर स्कीइंग करने का मजा ही अलग है। क्या आपको पता है, फ्रेंच और ऑस्ट्रियन एक्सपर्ट्स ने ओली को वर्ल्ड के बेस्ट स्कीइंग ग्राउंड्स डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ प्रोफेशनल स्कीइंग ट्रेनर्स भी अवेलेबल है जो कि यहाँ आए सभी लोगों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। तो अगर आपको स्कीइंग नहीं भी आती, फिर भी आप ओली में जाके स्कीइंग सीख सकते हैं और इस एडवेंचर का मजा उठा सकते हैं। नंबर 9, ओली रोपवे। ओली की सबसे ज्यादा मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है यहाँ की केबल राइड। इस केबल का राइड को स्थानीय भाषा में गोंडोला कहा जाता है, जो कि गुलमर्ग के बाद एशिया की सबसे लंबी और हाईएस्ट केबल कार राइड है। ये केबल कार ओली और जोशीमठ को कनेक्ट करती है, जिसकी आपस में डिस्टेंस करीबन 4 किलोमीटर है और रास्ते में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारे आपको देखने का मौका मिलता है। नंबर 8, त्रिशूल पीक। उत्तराखंड के कुमाऊं में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के पास लोकेटेड है त्रिशूल पीक, जिसकी हाइट 23,490 फीट है और इसका नाम भगवान शिव के शस्त्र त्रिशूल के नाम पर रखा गया है। ये पीक स्कीइंग के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट है और ये जगह हमेशा ही पूरी तरह से टूरिस्ट से भरी हुई होती है। पहले के समय में त्रिशूल और उसके आसपास के पीक्स को इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग एरिया की तरह यूज किया जाता था। पीक के पास नंदा देवी नेशनल पार्क है और साथ ही यहाँ रूपकुंड लेक भी है। ये लेक बहुत ही पॉपुलर और स्पिरिचुअल है। इस लेक को मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है। इस झील के अंदर करीबन 600 इंसानों और घोड़ों के स्केल्टन्स मिले थे, जिसके बारे में पूरी डिटेल में हमने एक अलग ही वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप इस चैनल पर देख सकते हैं। ये जगह ट्रैकिंग के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। नंबर 7, जोशीमठ। जोशीमठ, जिसको ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है, इस जगह पर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक मठ का निर्माण करवाया था। धार्मिक जगह होने के अलावा ये एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन भी है। इस शहर में कई और भी मंदिर हैं, जैसे कि नरसिम्हा और गौरीशंकर। यहाँ पर आपको बहुत ही पवित्र कल्प वृक्ष भी देखने को मिलेगा और ऐसा माना जाता है कि ये कल्प वृक्ष 1200 साल पुराना है। जोशीमठ ज्यादातर अपनी माउंटेन क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग एक्टिविटीज के लिए काफी पॉपुलर है। यहाँ की एक और मेजर अट्रैक्शन में से यहाँ का नरसिम्हा टेम्पल है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे। नंबर 6, गुरसो बुग्याल। ओली से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है गुरसो बुग्याल, जो कि एक बहुत ही सुंदर ग्रासलैंड है। पूरी तरह हरियाली से कवर इस जगह पे लंबे लंबे ओक और देवदार के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। इस जगह से आपको यहाँ के आसपास की माउंटेन रेंज, नंदा देवी, द्रोण और त्रिशूल का सुंदर व्यू भी दिखाई देगा। बसंत ऋतु के दौरान जब यहाँ पे पूरी तरह से बर्फ पिघल जाती है और बर्फ की जगह छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत एक बड़े से गार्डन में बदल जाती है, जिसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं। और इसी से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है छत्तरकुंड झील और ये झील अपने साफ और मीठे पानी के लिए काफी मशहूर है। नंबर 5, चिनाब लेक। ये झील डंग विलेज के काफी पास है और इस झील तक पहुंचने के लिए आपको इस गांव को क्रॉस करना पड़ता है। ये एक आर्टिफिशियल झील है, जो कि ओली के लोगों के लिए एक मेजर वाटर सोर्स भी है। ये झील ओली के मस्ट विजिटिंग पॉइंट्स में से एक है। नंबर 4, कुआनी बुग्याल। कुआनी बुग्याल ओली से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अपने नेचुरल एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स की वजह से ये जगह विजिटर्स के बीच में काफी मशहूर है। कुआनी बुग्याल को ट्रैकर्स हेवन भी कहा जाता है। ये जगह अपने बर्फ से कवर ऊंची ऊंची चोटियों के लिए काफी मशहूर है। इस जगह की ट्रैकिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारे कैंपर्स और ट्रैकर्स आते हैं और यहाँ पे कैंप्स लगाकर रहते हैं।
और आप चाहे तो आप भी यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगा। नंबर 3, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के पास स्थित है रुद्रप्रयाग, जो कि बहुत ही पवित्र जगह है। ये जगह पंच प्रयाग में से एक है और हिंदू धर्म में इस जगह को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इस जगह को इसका नाम भगवान शिव से मिला है। वो कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ भगवान रुद्र के अवतार में प्रकट हुए थे। ये जगह अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसको आपको विजिट जरूर करना चाहिए। नंबर 2, नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क, जिसको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, 1982 में नंदा देवी पीक के अराउंड एस्टेब्लिश किया गया था। ये पूरा पार्क समुद्र सतह से 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। इस पार्क को 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया और 2005 में इस पार्क को बड़ा करके इसका नाम बदलकर नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क रखा गया। यहाँ पर आप करीबन 312 तरह के पेड़ पौधों की प्रजाति देख सकते हैं, जिसमें 17 तरह की प्रजाति तो ऐसी है जो आपको शायद इस पार्क के अलावा और कहीं देखने को ना मिले। यहाँ आपको कई सारे पहाड़ी जानवर भी देखने को मिलेंगे और इसी के अलावा 114 तरह की विभिन्न पक्षियों की प्रजातियों देखने का भी आप आनंद उठा सकते हैं। नंबर 1, नंदा प्रयाग। नंदा प्रयाग अलकनंदा नदी के पंच प्रयाग में से एक है, जो कि अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के मिलन पर बना हुआ है। यहाँ पर नंदा प्रयाग फॉल्स है, जो कि यहाँ के टूरिस्ट का फेवरेट रिलैक्सिंग पॉइंट है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण में से गोपाल जी मंदिर, अलकनंदा नदी और बर्फ से ढके पहाड़ों के खूबसूरत नजारे हैं। दोस्तों, ओली अपनी खूबसूरती की वजह से हनीमून कपल्स के बीच में काफी ज्यादा चर्चित भी है। अगर आप उत्तराखंड जा रहे हो तो इसी के साथ साथ हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी या नैनीताल जैसे खूबसूरत जगहों के भी दर्शन कर सकते हैं। उन सभी शहरों के बारे में हमने वीडियोस बनाई हुई है, जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो ये थी कुछ बातें उत्तराखंड की खूबसूरत से हिल स्टेशन ओली के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।